गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम पवन बाग एकेडमी। बच्चों, पवन बाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, रोटेशनल डायनेमिक्स का आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं। ऑलरेडी टॉपिक 1.3 जो है एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, इसका एक एप्लीकेशन हम लोगों ने स्टडी किया है। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड कितना होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे का टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ द बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आई थिंक बैंकिंग ऑफ कर्व रोड जो है, आप लोग सब लोग इससे फैमिलियर हो। बैंकिंग ऑफ कर्व रोड मतलब जहाँ कर्व रोड पे हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है कुछ टिल्ट किया होता है कुछ एंगल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकिंग ऑफ कर्व रोड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों देखो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना होना चाहिए, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ अ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड कितना होना चाहिए, ये हम लोगों ने स्टडी किया था, राइट। उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे मान लो एक कर्व रोड है, इस कर्व रोड के ऊपर एक व्हीकल यहाँ से पास हो रहा है ना, इस कर्व रोड से एक व्हीकल ऐसे पास हो रहा है। तो ये एक सर्कल का कर्व दिख रहा है हमें। मान लो मैं इसको ऐसे लगा के एक सर्कल बना दूँ, तो इस सर्कल की रेडियस यहाँ पे मिलेगी हमें, और यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, मान लो एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो कर्व रोड है, इस कर्व रोड के ऊपर इस डिरेक्शन में कौन सा फोर्स एक्ट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब इस डिरेक्शन में यहाँ पे क्या रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, जो कि हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स है। टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स होता है वो क्या होगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। सिमिलरली ये जो व्हीकल है इसके ऊपर ऊपर की डिरेक्शन में क्या लगता है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। मैं स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पे क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन। और नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें वेट मिलता है जो कि m इंटू जी है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, Fs इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² / r, राइट। नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, दैट इज इक्वल टू mg को। तो हमने ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था, दैट इज इक्वल टू mv² / r / mg, राइट। तो m गेट कैंसल, Fs / n इज इक्वल टू v² / rg। लास्ट का लेक्चर रिवाइज कर रही हूँ, होप सो आप लोगों को भी आ रहा होगा, साथ में आप लोग भी बोलोगे v² / rg। Fs का फॉर्मूला होता है μs (n)/n, तो n गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू v² / rg। और इसी से हमने v² का इक्वेशन लिखा था, v² = μs (rg). तो v इज इक्वल टू कितना होगा, √μs (r)/g। तो ये जो है दैट इज द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड होना चाहिए ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। इससे ज्यादा अगर आपकी व्हीकल का स्पीड होता है तो इसे क्या होगा, व्हीकल स्केट करेगा रोड के ऊपर से और एक्सीडेंट होने के चांसेस है। इसीलिए आपके व्हीकल का स्पीड इतना ही होना चाहिए, जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, μs के ऊपर, जो कि क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, r के ऊपर जो कि रेडियस है, एंड g मतलब यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। आया समझ में? तो ऐसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए थे और इसका डेरिवेशन भी देखा था, राइट। तो अब देखते हैं आगे का टॉपिक, इसी को लिंक करते हुए, दैट इज द बैंकिंग ऑफ रोड। तो देखो बच्चों, बैंकिंग ऑफ रोड यानी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या, अभी जो हमने देखा कि वी मैक्स कितना होना चाहिए ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, वी मैक्स इज इक्वल टू होना चाहिए √μs (r)/g। लेकिन क्या आपका व्हीकल इसी स्पीड से चलेगा, आपका व्हीकल मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्रॉस करेगा नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता, कभी ना कभी तो क्रॉस करेगा ही।
और तो और जो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड्स होते हैं, या हॉरिजॉन्टल कर्व रोड्स होते हैं, इनका फ्रिक्शन तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। मान लो बारिश के दिन है तो फ्रिक्शन चेंज होगा, गीला रोड है तो फ्रिक्शन चेंज होगा। मान लो ऑयल गिरा हुआ है तो फ्रिक्शन चेंज होगा। इसका मतलब क्या कि जो कर्व रोड है, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसका फ्रिक्शन जो म्यू एस है, वो हम लोग बोल नहीं सकते कि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए सॉल्यूशन कौन सा है? बैंकिंग ऑफ रोड्स। मतलब क्या, देखो अब यहाँ पे ये जो रोड है, इस रोड का ये कर्व सरफेस जो है, ये इनर एज है, इसको हम बोलेंगे दिस इज द इनर एज। एंड ये जो आउटर एज है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज आउटर एज। तो यहाँ पे अगर व्हीकल का लिमिट क्रॉस भी करता है, तो इन्होंने नया सॉल्यूशन क्या निकाला कि उन्होंने जो आउटर एज है उसको कुछ एंगल से, मतलब ऐसे स्लैंटिंग बना दिया, कुछ एंगल से उसको टिल्ट कर दिया। मतलब मान लो ये सरफेस है तो इसको कुछ ऐसे टिल्ट किया, राइट ना? मैं आपको बुक लेके बताती हूँ, वेट अ मिनट। देखो यहाँ पे ये रोड पहले इनिशियली कैसा था? इट इज प्लेन, राइट ना? ये इसका इनर एज है, ये इसका आउटर एज है। तो इस सरफेस को, इस रोड को कुछ ऐसे एंगल में टिल्ट किया ताकि आपका व्हीकल यहाँ से पास हो रहा है तो अभी ऐसे पास होगा, मतलब कुछ स्लैंटिंग से पास होगा, राइट ना? तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको। ये जो आउटर एज है इसको रेज किया जाता है कुछ ऐसे। यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये जो आउटर है एज है, उसको कुछ ऐसे एंगल में, कुछ एंगल में इसको टिल्ट किया होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। मतलब कुछ हाइट पे इसको हमने टिल्ट किया, राइट ना? और कुछ एंगल से इसको टिल्ट किया, और ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग, और इसी का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। एंड मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी हमें डिराइव करना है। तो इसको कहा जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग, इसको कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे। रेजिंग ऑफ, डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे सब लोग, साथ में साथ नोट्स भी निकालते जाओ। रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ अ रोड विथ इनर एज विथ सर्टन एंगल कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड, कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। इसी को कहा जाता है बैंकिंग ऑफ रोड, जस्ट लाइक दिस डायग्राम। ये क्यों, कौन सा है? दिस इज द आउटर एज, और यहाँ पे फिर आपका रहेगा इनर एज, कुछ यहाँ से आउटर एज, और उसको हमने क्या किया? टिल्ट किया विथ सम एंगल। दिस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। इसको नोट डाउन करो जल्दी, होप सो आपने नोट डाउन किया होगा। बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर। एंड उसका जो थीटा का फॉर्मूला है, उसी में हम लोग उसको डिराइव करेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन नोट डाउन करती हूँ। ऐसे ही आप लोग नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हो, राइट ना? क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है। डिराइव एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग व्हेन अ व्हीकल कंसिडर टू बी अ पॉइंट। व्हीकल को हम लोग यहाँ पॉइंट कंसिडर करके उसके सारे डेरिवेशंस बनाने वाले हैं। कंसिडर टू बी अ पॉइंट मूव्स अलोंग
कर्व, बैंक, रोड, निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, निग्लेक्टिंग फ्रिक्शन। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, क्वेश्चन देखो, स्टेट एंड एक्सप्रेशन, स्टेट एंड एक्सप्रेशन, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, स्टेट एंड एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट मोस्ट सेफ स्पीड, मोस्ट सेफ स्पीड, सेकेंड बैंकिंग एंगल, बैंकिंग एंगल फॉर विच अ व्हीकल, व्हीकल मूविंग ऑन, मूविंग ऑन अ कर्व बैंक रोड, कर्व बैंक रोड। ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर आप कैसे लिखोगे? पहला पॉइंट आएगा, कंसीडर अ वर्टिकल सेक्शन, कंसीडर अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कर्व बैंक रोड। कर्व बैंक रोड, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ आपको। मान लो यहाँ से ये सरफेस जो है हमने इतना टिल्ट किया है, ओके, कितने एंगल से, थीटा जितने एंगल से हमने इसको टिल्ट किया है। अब इसके ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ पे एक व्हीकल है, ओके, यहाँ से कुछ एक व्हीकल ऐसे पास हो रहा है, तो ये व्हीकल के ऊपर अभी फोर्सेस देखो कौन से एक्ट होंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फोर्स कौन सा एक्ट होगा, जिसका नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये जो व्हीकल, मान लो व्हीकल अभी फिलहाल ऐसे था, मान लो व्हीकल यहाँ पे था, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, है ना, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कुछ ऐसे रहेगा। अब व्हीकल ऐसे हो गया तो ये नॉर्मल रिएक्शन भी ऐसे हो गया, मतलब वो हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लगने वाला फोर्स है। तो यहाँ पे सरफेस कुछ ऐसे हो गया तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ एंगल से लगेगा। सिमिलरली ये व्हीकल का जो वेट है, वो वेट तो हमेशा कहाँ पे लगने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो अभी देखो इसको मैं कुछ एंगल में इसको टिल्ट करती हूँ, तो यहाँ पे एंगल क्या बनता है, दिस एंगल इज थीटा, थीटा जितने एंगल से, ये जितने एंगल से टिल्ट हुआ है ये भी उतने ही एंगल से टिल्ट होगा, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन उतने एंगल से डेविएट हो गया। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करने वाले हैं। आपको पता है हम लोग यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, मान लो थीटा जितने एंगल पे आपका वेक्टर रिजोल्व हो गया, मतलब वेक्टर जो है पहले इनिशियली मान लो अलोंग एक्स एक्सिस था, उसको हमने थीटा जितने एंगल पे टिल्ट किया, मतलब मान लो कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मैं फोर्स लगा रही हूँ, इनिशियली फोर्स मैं ऐसे लगा रही थी, अब मैंने फोर्स कुछ एंगल से अप्लाई किया, तो क्या होगा, इनिशियली ऐसा फोर्स लग रहा था तो अलग फोर्स की क्वांटिटी आएगी, राइट ना। अब मान लो मैंने कुछ इतने एंगल से उसको अप्लाई किया तो अलग फोर्स की क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब एंगल चेंज करने के बाद किसी वेक्टर की क्वांटिटी भी चेंज होती है, तो उसको हमें रिजॉल्व करना होता है। आपका जो 11th का मैथमेटिकल मेथड से ये चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, उसमें ये सारी बातें बताइए, ये सारे टॉपिक्स हम उसमें स्टडी कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने किए होंगे, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो 11th का मैथमेटिकल मेथड ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखो इसको हमने टिल्ट किया कितने एंगल से, थीटा जितने एंगल से, तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मान लो y एक्सिस और ये x एक्सिस ऐसे लिया, इस y एक्सिस को मैं यहाँ पे लेती हूँ, y एक्सिस को मैं यहाँ पे लेती हूँ, ओके। तो ये जो y एक्सिस है, मान लो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर को मैं अगर ये साइड लेती हूँ, तो ये थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो पार्ट है ये कौन सा रहेगा, इट इज एडजेसेंट साइड, राइट ना। तो अगर मैं कॉस थीटा लेती हूँ, कॉस थीटा, देखो बच्चों तीन वर्ड्स हमेशा याद रखो, सो सो
एक मिनट, सो का टोवा, ये तीन वर्ड हमेशा याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, आपको बहुत बार यूज करने हैं। तो सो का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। एंड का मतलब कॉस थीटा, सो मतलब साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, एंड टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो ये तीन वर्ड हमेशा याद रखो, मैं हमेशा यूज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो मान लो एडजेसेंट साइड में एक्स मान लेती हूँ और ये जो साइड है अपोजिट साइड उसको वाई मान लेती हूँ। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या है हमारा? r। तो x इज इक्वल टू क्या बनेगा? r cos थीटा। मतलब ये साइड आपकी क्या रहेगी? x इज इक्वल टू r cos थीटा। सिमिलरली आपका y क्या बनेगा? देखो y के लिए हम सो लेंगे, सो मतलब साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू बनेगा अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कौन सी है? y। हाइपोटेनस कौन सा है? r। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा? r साइन थीटा। मतलब ये आपका क्या रहेगा? दिस इज आर साइन थीटा। और इसको ही मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ सकती हूँ, क्योंकि वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ का वेक्टर और यहाँ का वेक्टर दोनों सेम रहेंगे, तो ये क्या बनेगा हमारा? आर साइन थीटा बनेगा। ये क्या बनेगा हमारा? आर कॉस थीटा बनेगा। इसका मतलब ये सिंगल वेक्टर का इस डिरेक्शन में, मान लो मैं इनिशियली ऐसे फोर्स लगा रही थी, अब मैंने ऐसे लगाया, तो फोर्स यहाँ पे दो कंपोनेंट में रिजोल्व हो गया, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट। यहाँ पे ये कंपोनेंट रहेगा, यहाँ पे अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ तो, ठीक है, डाउनवर्ड डिरेक्शन से लगा रही हूँ, डाउनवर्ड एंगल है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में वेक्टर रिजोल्व होंगे, हमेशा याद रखो। तो देखो यहाँ पे ये जो आर कॉस थीटा है यह हमेशा कहाँ पे रहेगा? मैं शॉर्टकट रहेगा, अभी बार बार हम लोग ऐसे थोड़ी ना करते बैठेंगे कि आर कॉस थीटा ट्रायंगल बनाओ, ऐसे मत करो। क्या करो? शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। जो थीटा रहेगा, थीटा की साइड से जो परपेंडिकुलर लाइन आप खींचने वाले हो उसको हमेशा आप लोग क्या कहोगे? आर कॉस थीटा। थीटा की साइड से जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी उसको हम कहेंगे आर कॉस थीटा, मतलब जो वेक्टर रहेगा वो लगा के, और जो उसके परपेंडिकुलर साइड रहेगी उसको हम बोलेंगे आर साइन थीटा। तो देखो बच्चों यहाँ पे ये दिखाने वाले हम लोग, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज किया, 11th का टॉपिक था इसलिए। अब देखो यहाँ पे ये वेक्टर है हमारा, जैसे वहां पे वो आर था वैसे यहाँ पे एन है। एन को मैंने थीटा की साइड में एक रिजोल्व किया और इसको परपेंडिकुलर साइड में एक रिजोल्व किया। जो थीटा की साइड में मैंने क्या बोला? आर कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है? एन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन कॉस थीटा, ओके। और उसके परपेंडिकुलर क्या रहेगा यहाँ पे? एन साइन थीटा। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, अब देखो ये हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लिया। अभी ये एन जो है, एन को आप साइड में रखो थोड़ी देर, अभी आप क्या लोगे? एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। मतलब ये व्हीकल के ऊपर परपेंडिकुलर डिरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? एन कॉस थीटा। और उसको परपेंडिकुलर लग रहा है एन साइन थीटा। मतलब एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करने का काम कर रहा है? एम जी को बैलेंस करने का काम कर रहा है ना। और एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? ये ऐसा कर्व रोड है, ये कर्व रोड के ऊपर यहां से मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी तो ये रेडियस बनेगा, ये कर्व रोड है। इमेजिन करो, हाँ बच्चों फिजिक्स में इमेजिन करके ही आप लोग पढ़ो तो अच्छे से समझ में आएगा। ये कर्व रोड पे यहाँ सेंटर है, सेंटर से मैंने एक लाइन खींच दी है ना, तो ये बन गई आपकी रेडियस। तो टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर ये क्या बन गया हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया अगेन। और ये नॉर्मल रिएक्शन का एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी को। एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स को। मतलब एन साइन थीटा इटसेल्फ इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। आया समझ में सबको? तो अभी देखो, अभी इसका इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया है उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। कैसे? देखो इनिशियली हम लोग लिखेंगे कि उसके ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट आएगा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल, फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल आर, कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? सबसे पहला फोर्स है उसका वेट, विच इज इन डाउनवर्ड डिरेक्शन, डाउनवर्ड डिरेक्शन।
उसके बाद बी कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ओके, अब देखो यहाँ पे ये सेकेंड पॉइंट हो गया. उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, वो लिख लो. ओके, थर्ड पॉइंट, सेकेंड होने के बाद थर्ड. आप क्या करोगे, फर्स्ट पॉइंट डायग्राम अच्छे से निकालना, डायग्राम निकालने के बाद ये पूरा एज इट इज लिखो. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रिजॉल्व इंटू टू कंपोनेंट्स, रिजॉल्व इंटू टू कंपोनेंट्स, टू कंपोनेंट्स. वन इज एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा विच इज वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल है ना, तो इसको हम बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट. ऐसे ही आप लोग एग्जाम में इसका आंसर लिखोगे बच्चों. एंड सेकेंड एन साइन थीटा विच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ओके, अभी आगे का पॉइंट हम लिखेंगे. एन कॉस थीटा बैलेंसेस द वेट, एन कॉस थीटा बैलेंसेस द वेट, राइट. इसका मतलब एन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी. इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली एन साइन थीटा इज द रिजल्टेंट सेंट्रीपेटल फोर्स, एन साइन थीटा इज द रिजल्टेंट सेंट्रीपेटल फोर्स, रिजल्टेंट सेंट्रीपेटल फोर्स. इसका मतलब क्या, एन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर. दिस इज इक्वेशन नंबर टू. अब हम क्या करेंगे, सिक्स स्टेप में इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन करेंगे. हमें क्या निकालना है, थीटा भी निकालना है. देखो क्या निकालना है, मोस्ट सेफ स्पीड मतलब थीटा भी, वी निकालना है एंड बैंकिंग एंगल मतलब थीटा भी, दोनों डेरिवेशन साथ में लिखेंगे. इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन, इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन दैट इज एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और इसको हम डिवाइड करेंगे एन कॉस थीटा से, डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा एम इंटू जी. तो एम एम गेट कैंसल, एन एन गेट कैंसल. साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना होता है, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय ये आर और जी दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई होंगे, वी स्क्वायर आर जी. तो इससे हमें थीटा मिलता है. देखो थीटा कितना मिलेगा, टैन अगर उधर शिफ्ट किया तो बनेगा टैन इनवर्स, टैन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू जी. ये हमारा है बैंकिंग एंगल, राइट. और अगर आपको मोस्ट सेफ्टी स्पीड निकालना है, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने पूछा है मोस्ट सेफ स्पीड कितना है, तो वो कैसे निकालोगे, देन मोस्ट सेफ स्पीड, सेवन पॉइंट लिखो चाहे तो इसको, मोस्ट सेफ स्पीड इज कितना आएगा इस इक्वेशन के ऊपर से लिखो, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, आर जी टैन थीटा, आर जी को इधर शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो वी इज इक्वल टू कितना बनेगा, अंडर रूट आर जी टैन थीटा. ओके, ये हमें मिला मोस्ट सेफ स्पीड, एंड ये हमें क्या मिला, एंगल ऑफ बैंकिंग. ऐसे आप लोग बहुत अच्छे से आंसर अपनी नोटबुक में कॉपी करोगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालोगे. लेट मी चेक द स्क्रीन. तो बच्चों जल्दी से इसको कॉपी कर लो. अभी मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रही हूँ. बैंकिंग ऑफ रोड अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं. अब जरा सोचो बच्चों, क्या आपके व्हीकल का स्पीड हमेशा इतना ही होगा क्या, जो हमने वी अभी डिराइव किया था उतना ही रहेगा हमेशा, कभी वो कम ज्यादा हो नहीं सकता.
व्हीकल क्या हम लोग इतने सेफ स्पीड में चलाएंगे? नो राइट ना, मतलब इसकी पॉसिबल केसेस बन सकती है। हमने क्या स्टडी किया कि आपका जो वी है वो कितना होना चाहिए, वी इज इक्वल टू होना चाहिए अंडर रूट आर जी टैन थीटा, इतना होना चाहिए कहाँ पे, बैंक रोड पे, है ना। लेकिन क्या आपका व्हीकल इतनी ही स्पीड से चलेगा? नेवर। आपका व्हीकल कभी लेस देन आर जी टैन थीटा भी हो सकता है, केसेस यहाँ पे चेंज हो सकती है, या फिर आपका व्हीकल कभी ग्रेटर देन आर जी टैन थीटा भी हो सकता है। कभी वो इससे कम स्पीड पे चलेगा, कभी वो इससे ज्यादा स्पीड पे भी चल सकता है। तो इसी के ऊपर आपके बुक में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखो क्या है, फिर हम लोग ये डिफरेंट केसेस यहाँ पे स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन, सब लोग क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज, क्वेश्चन नोट डाउन, व्हाट इज द नीड फॉर, व्हाट इज द नीड फॉर लोअर एंड अपर स्पीड, लोअर एंड अपर स्पीड लिमिट, लोअर एंड अपर स्पीड लिमिट फॉर अ व्हीकल, फॉर अ व्हीकल मूविंग, व्हीकल मूविंग ऑन अ बैंक रोड, बैंक रोड क्वेश्चन मार्क, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। देखो व्हाट इज द नीड फॉर लोअर एंड अपर स्पीड, नीड क्या होती है, स्पीड लिमिट फॉर अ व्हीकल मूविंग ऑन अ बैंक रोड, एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। क्वेश्चन को कॉपी करेंगे सब लोग, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो देखो बच्चों आंसर में क्या लिखोगे, नीड क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर लोअर एंड अपर स्पीड की नीड क्या है। जैसे मैंने आपको बताया इन प्रैक्टिस पहला पॉइंट आएगा कि हमारा मैक्सिमम सेफ स्पीड कितना होना चाहिए, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा। बट इन प्रैक्टिस व्हीकल इतनी स्पीड से नहीं चलेगा, ये कम ज़्यादा होता रहेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे अपर स्पीड की एंड लोअर स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। ओके तो सबसे पहला केस हम लोग स्टडी करते हैं यहाँ पे, केस वन। केस वन क्या आएगा, मान लो आपका जो वी है दैट इज लेस देन आर जी टैन थीटा है, ये आर जी टैन थीटा से कम है। मतलब देखो अभी क्या होगा, देखो बहुत अच्छे से देखना है आपको, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल के ऊपर लगने वाले फोर्सेस सबको पता है, एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा लगता है इसका वेट डाउनवर्ड डिरेक्शन में, परपेंडिकुलरली ऐसे डाउनवर्ड डिरेक्शन में, डाउनवर्ड डिरेक्शन में लगता है एम जी। यहाँ पे लगेगा एन कॉस थीटा, ये थीटा एंगल, इसका परपेंडिकुलर रहेगा एन साइन थीटा। अब देखो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, इस सेंट्रिपिटल फोर्स को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है इस डिरेक्शन में, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी कितना होता है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब देखो अगर ये वी कम है, ये वी कम है, इसका मतलब ये एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर भी कम है ना। ये अगर कम है तो आपका व्हीकल अभी कहाँ पे स्केट करेगा, सोचो जरा। अगर ये वी कम है इसका मतलब ये फोर्स कम हो गया, ये फोर्स कम हो गया मतलब ये फोर्स ज्यादा बन गया, ये फोर्स ज्यादा बन गया तो व्हीकल नीचे स्केट करेगा, राइट ना। अगर ये वी कम हो गया, वी कम होने की वजह से यहाँ पे ये जो एन साइन थीटा है वो ज्यादा, अभी फिलहाल अभी देखो अभी क्या हो रहा है, मानो ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है तो बॉडी ना उस साइड जाएगी ना इस साइड आएगी। किसी बॉडी के ऊपर जब अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होते हैं, लेफ्ट फोर्स राइट फोर्स इक्वल होते हैं, तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजिशन पे होती है ना। लेकिन मान लो ये साइड का फोर्स 20 न्यूटन हो गया, ये साइड का फोर्स 10 न्यूटन हो गया,
तो बॉडी इस डिरेक्शन में जाएगी या इस डिरेक्शन में, ये साइड का फोर्स जो 20 न्यूटन हो गया, ये साइड का फोर्स ज्यादा है तो बॉडी ऑब्वियसली कहाँ पे जाएगी, उस डिरेक्शन में जाएगी। यहाँ खींचने वाला फोर्स है ना, इस डिरेक्शन में खींचने वाला फोर्स है, सॉरी, तो बॉडी इस डिरेक्शन में जाएगी, है ना, 20 न्यूटन के साइड में जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे वी कम हो गया, वी कितना है, कम है आर जी टेन थीटा से, वी कम हो गया तो बॉडी इस डिरेक्शन में जाएगी। जब बॉडी इस डिरेक्शन में जाती है, बॉडी जब इस डिरेक्शन में जाती है तो ये यहाँ पे रोड जो है, रोड एंड टायर्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि गाड़ी तो स्केट करने लगी तो दोनों में फ्रिक्शन होने लगा टायर्स एंड रोड के बीच में, और वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डिरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, ये डिरेक्शन में। यहाँ पे कौन सा फोर्स प्रोड्यूस हो गया, एफ एस। अब देखो Fs कितने एंगल से प्रोड्यूस हुआ, अगर मैं यहाँ पे एंगल ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे भी कितना एंगल बनेगा, थीटा, जितना एंगल यहाँ पे थीटा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पे है हमारा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो Fs अगर यहाँ पे है तो इस यहाँ पे कुछ एंगल पे हमें वो लग रहा है Fs थीटा, ओके, वापिस ये एक इसका कंपोनेंट बन गया है ना, ये कुछ एंगल में लग रहा है, मतलब मुझे इसके भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा, इस डिरेक्शन में क्या बनेगा, एफ एस कॉस थीटा, ये है हमारा एफ एस, और इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, एफ एस साइन थीटा, क्लियर। देखो ये है हमारा एफ एस, ये जो अंदर का है ये एफ एस, इस साइड में है एफ एस कॉस थीटा, इस साइड में है एफ एस साइन थीटा, ये एन कॉस थीटा, ऊपर की डिरेक्शन में अभी देखो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एन कॉस थीटा, एफ एस साइन थीटा, ये एफ एस कॉस थीटा, यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर आर, दोनों इस डिरेक्शन में लग रहे हैं, इस साइड में लग रहा है एन साइन थीटा, डाउनवर्ड डिरेक्शन में लग रहा है एम जी। ये डायग्राम होप्स तो आपको समझ में आया होगा, मुझे क्या बताना है, देखो यहाँ पे वी कितना दिया है, लेस देन आर जी टेन थीटा, ये कम है तो ये फोर्स कम हो गया, ये फोर्स कम हो गया मतलब इस साइड का फोर्स बढ़ गया, तो गाड़ी नीचे आना स्टार्ट करेगी, गाड़ी जैसे ही नीचे आएगी ऊपर से फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट होगा, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डिरेक्शन में लगता है, मान लो व्हीकल ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, व्हीकल ऐसे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, ओके। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डिरेक्शन में एक्ट होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कुछ एंगल में थीटा, जितने एंगल में जितना एंगल यहाँ पे उतना ही एंगल यहाँ पे रहेगा, एफ एस साइन थीटा यहाँ पे है तो इस डिरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा, एफ एस थीटा की साइड में हमेशा बनेगा एफ एस कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर बनेगा एफ एस साइन थीटा, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसके अपवर्ड फोर्सेस एंड डाउनवर्ड फोर्सेस कितने रहेंगे और उसका इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखो अभी अपवर्ड डिरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे, डाउनवर्ड डिरेक्शन में क्या है यहाँ पे एम जी फोर्सेस एक्टिंग वर्टिकली, ऐसे हम लोग बोलेंगे, पहला पॉइंट चाहे तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ व्हीकल वर्टिकली, वर्टिकली कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं देखो, दैट इज एन कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा, ये देखो एफ एस साइन थीटा एन कॉस थीटा, और नीचे कौन सा है बस एम जी, तो एम जी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा, ओके। इसको नाम दे के रखो इक्वेशन नंबर वन, इसको इक्वेशन नंबर वन बोलो, ओके। उसके बाद देखो अभी डाउनवर्ड डिरेक्शन तो हो गई, सिमिलरली अपवर्ड डिरेक्शन से कौन से, सॉरी ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो गई, लेफ्ट एंड राइट डिरेक्शन में कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं सोचो जरा, ये एन साइन थीटा है, एम वी स्क्वायर आर है, और यहाँ पे कौन सा है एफ एस कॉस थीटा है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल हॉरिजॉन्टली, सेकेंड पॉइंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल हॉरिजॉन्टली कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं देखो, एन साइन थीटा इज इक्वल टू, एन साइन थीटा इज इक्वल टू, इस डिरेक्शन में एक्ट हो रहा है एफ एस कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, में एज इट इज रखती हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट करती हूँ, इधर शिफ्ट करने के बाद क्या होगा एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर टू।
ओके एक मिनट है बच्चों, इसको मैं इंक डालती हूँ। ओके देखो, अब हमारे पास इक्वेशन वन है, इक्वेशन टू है, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन वन डिवाइड बाय टू, मुझे क्या लग, वन डिवाइड बाय टू मत करो, मुझे वी निकालना है, तो मैं टू डिवाइड बाय वन करती हूँ। इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन, देखो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, और इसको मैंने एम जी को डिवाइड किया, एम जी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। अब देखो यहाँ एम एम कैंसिल होगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी बनेगा इज इक्वल टू एन साइन थीटा, एज इट इज रखो। माइनस एफ एस की जगह पे फॉर्मूला क्या है, म्यू एस इंटू एन, अभी तो लर्न होना चाहिए, बहुत बार यूज़ किया हमने इसको, म्यू एस इंटू एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा प्लस एफ एस की जगह पे म्यू एस एन साइन थीटा। ओके अब मैं क्या करती हूँ, होल इक्वेशन को डिवाइड बाय साइन थीटा कर, एक मिनट हाँ, पहले ये एन कॉमन निकाल लो, एन कॉमन निकालने से क्या होगा, वो कट हो जाएगा, एन इन ब्रैकेट यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, ओके डिवाइड बाय यहाँ पे भी एन कॉमन निकालो, कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, तो यहाँ पे एन एन गेट कैंसल, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी एज इट इज। ओके इधर लिखते हैं, अब देखो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है आपके बुक में, उन्होंने डायरेक्टली टैन थीटा का फॉर्मूला दिया है, मैं इसको थोड़ा स्प्लिट करके दे रही हूँ आपको, डिराइव करके दे रही हूँ, तो बहुत अच्छे से कॉपी करो ये डेरिवेशन, आपके बुक में बहुत शॉर्टकट दिया है। तो देखो अभी डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, साइन थीटा एन एन कैंसिल किया है, अब होल इक्वेशन को मैं क्या करती हूँ, कॉस थीटा से डिवाइड करती हूँ, तो देखो क्या बनेगा, वी स्क्वायर आर जी तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, सब साइड से मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया हर एक टर्म को, माइनस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, लेट मी चेक, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा से करना है ना, कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू एस इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, यहाँ पे भी कॉस थीटा, हाँ सभी जगह पे कॉस थीटा से हम लोग डिवाइड करेंगे, होल इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, देखो वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी एज इट इज रहेगा, साइन डिवाइड बाय कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा माइनस यहाँ म्यू एस ही रहेगा, कॉस थीटा निकल जाएगा, कट होगा, कैंसिल होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी कैंसिल होगा, डिवाइड बाय क्या बनेगा, वन प्लस म्यू एस, और यहाँ पे भी क्या बनेगा, टैन थीटा। ओके मुझे क्या चाहिए, वी चाहिए, स्पीड कितना होना चाहिए, हम लोग क्या निकाल रहे हैं अभी, वी लोअर स्पीड लिमिट लिखा रहे, ओके ये कौन सा है हमारा, दिस इज लोअर स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए व्हीकल का, वो हम लोग निकालें, क्योंकि देखो दो स्पीड ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, तो उसका लोअर एंड अपर लिमिट हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे v square is equal to क्या बनेगा, that is rg in bracket tan theta minus mu s divide by 1 plus mu s tan theta, okay, then v is equal to क्या बनेगा, square root of rg tan theta minus mu s divide by 1 plus mu s tan theta, okay, तो ये है हमारा V, ये बनेगा आपका लोअर स्पीड लिमिट। ओके बच्चों इसको जल्दी से कॉपी करो, बहुत सिंपल है, देखो क्या क्या हमने V लेस देन आर जी टेन थीटा किया, उसकी वजह से एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर कम हो गया, तो व्हीकल इधर स्केट करेगा, इधर स्केट करने की वजह से फ्रिक्शन अपोजिट डिरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट बनाए, एफ एस कॉस थीटा एफ एस साइन थीटा, फिर हमने अपवर्ड कंपोनेंट लोअर कंपोनेंट को हमने मतलब अपवर्ड फोर्सेस लोअर फोर्सेस को इक्वेट किया, व्हीकल वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट किया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट किया, दोनों को डिवाइड किया, पहले जो कॉमन टर्म्स से कैंसिल किए,
एन कॉमन निकाले, उसको कैंसिल किया, होल इक्वेशन को कॉस थीटा से डिवाइड कर लिया, टैन थीटा पुट किया, उससे हमें वी मिल गया। तो ये हमारा रहेगा, दिस इज द लोअर स्पीड लिमिट, दिस इज लोअर स्पीड लिमिट। ओके, ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, अपर स्पीड लिमिट निकालेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो अच्छे से और इसको नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं इसका अपर स्पीड लिमिट, जो कि आपका केस टू रहेगा। सेम इसी तरह केस टू अपर स्पीड लिमिट, मतलब v इज ग्रेटर देन अंडर रूट आर जी टैन थीटा। ओके, अब देखो सेम वही डायग्राम आएगा अभी वापस से। यहाँ पे है व्हीकल, इसके ऊपर लग रहा है, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी। इसको मैं थोड़ा ऊपर निकालती हूँ क्योंकि अभी फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। यहाँ पे है व्हीकल, ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे लगेगा m इंटू जी। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स बनाए, थीटा की साइड में आएगा n cos थीटा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा n sin थीटा। इसको अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब देखो v ज़्यादा है मतलब ये वैल्यू अभी बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ेगी तो व्हीकल ऊपर स्केट करेगा, राइट? ये वैल्यू बढ़ गई तो व्हीकल ऊपर भागना चाहेगा, ऊपर स्केट करेगा। अगर व्हीकल ऊपर स्केट करेगा तो फ्रिक्शन अभी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन अब ये डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन अगर ये डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ पे ये एंगल कितना है, थीटा। अब यहाँ पे मैं अगर स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो ये एंगल बनेगा आपका थीटा, राइट? जिगजैग ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू, ये थीटा है तो ये भी क्या रहेगा, थीटा। एफ एस थीटा की साइड में कंपोनेंट बनाएगा एफ एस कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर साइन में कंपोनेंट बनाएगा एफ एस साइन थीटा। क्लियर? अब देखो यहाँ अब वर्टिकल कंपोनेंट्स कौन से बन रहे हैं, एन कॉस थीटा और दोनों अपोजिट साइड में एम जी एंड एफ एस साइन थीटा, ये एक वर्टिकल, ये दो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन से बन रहे हैं, एन साइन थीटा इस डायरेक्शन में, एफ एस कॉस थीटा इस डायरेक्शन में बन रहा है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ओके, तो अभी लिखेंगे हम लोग सबसे पहला पॉइंट, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल, एक्टिंग ऑन व्हीकल वर्टिकली आर, पहला फोर्स कौन सा है, एन कॉस थीटा। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, ऊपर का एक ही फोर्स है, नीचे दो फोर्सेस है, कौन से, एम जी प्लस एफ एस साइन थीटा। तो मैं एम जी लिखती हूँ एज इट इज, एफ एस साइन थीटा को इधर शिफ्ट करती हूँ, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर वन। ओके, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर वन। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे कौन सा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेकेंड फोर्सेस एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली कौन से है, देखो यहाँ पे इस साइड में है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एन साइन थीटा है एफ एस कॉस थीटा है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा। ओके, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर टू, दोनों को डिवाइड करो, इक्वेशन टू बाय वन करेंगे हम लोग क्योंकि मुझे वी चाहिए थर्ड पॉइंट। इक्वेशन टू डिवाइड बाय वन तो क्या आएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय आएगा एम इंटू जी, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय एम इंटू जी। यहाँ क्या है, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा
डिवाइड बाय, यहाँ पे है एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, सेम उसी तरह mm कैंसल, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ एन है साइन थीटा है प्लस एफ एस की जगह पे लिखो म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा है माइनस एफ एस की जगह पे म्यू एस इंटू एन साइन थीटा, या एन 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 कैंसल, कॉमन निकाल के हाँ अभी मैंने डायरेक्टली किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट में डेरिवेशन में किया था वैसे ही करना है। सेम अभी क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस यहाँ पे म्यू एस बचता है, म्यू एस इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ओके डिवाइड बाय यहाँ पे भी सेम कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ओके तो ये कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा कैंसल, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा कितना बनेगा टैन थीटा प्लस म्यू एस ये वन रहेगा डिवाइड बाय यहाँ पे वन माइनस म्यू एस ये भी टैन थीटा, ओके अब लिखते हैं वी स्क्वायर का आर जी उधर शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इंटू ये पूरा इक्वेशन टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय वन माइनस म्यू एस टैन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट तो वी इज इक्वल टू क्या बनेगा अंडर रूट आर जी यहाँ स्क्वायर है उस साइड जाके स्क्वायर रूट बनेगा टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय वन माइनस म्यू एस टैन थीटा ब्रैकेट कंप्लीट ओके तो ये रहा हमारा विच वन अपर स्पीड लिमिट दिस इज या फिर आप मैक्स भी बोल सकते हैं इसको और प्रीवियस को मिनिमम बोल सकते हैं दिस इज अपर स्पीड लिमिट क्लियर एवरीवन ओके चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो बच्चों ओके बच्चों देखो अभी हम लोग जितने भी फॉर्मूले स्टडी किए ना एक बार मैं आपको उसको लिख देती हूँ एक पेज पे सभी फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज लिखो एंड देन उसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे सबसे पहले हमने देखा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड सब लोग लिख लेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसको रफ ही करती हूँ मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फिर मैं न्यूमेरिकल्स बताती हूँ इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ बच्चों और कंसेप्ट क्लियर होगा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कहाँ पे विदाउट बैंकिंग मतलब हॉरिजॉन्टल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड कितना निकाला था हमने वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी है ना यहाँ अनबैंक रोड है हॉरिजॉन्टल कर्व सरफेस है वहां पे म्यू एस आर जी सेकेंड हमने क्या निकाला मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन बैंकिंग ऑफ रोड ऑन बैंकिंग ऑफ रोड ये कितना था v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा एंड देन हमने इसका लोअर लिमिट निकाला लोअर लिमिट ऑफ स्पीड ऑन बैंकिंग ऑफ रोड बैंक रोड के लोअर लिमिट की बात की हमने वो कितना था उसको हमने वी मिनिमम बोला था वी मिनिमम इज इक्वल टू कितना था अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय वन प्लस म्यू एस टैन थीटा
देखो दोनों फॉर्मूलेज में डिफरेंस क्या है, कौन सा आर जी टैन थीटा प्लस म्यू एस वाला एंड आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस वाला। टैन थीटा माइनस है वहां पे क्या है, देखो यहाँ पे कितना है टैन थीटा माइनस है, यहाँ पे टैन थीटा प्लस है, यहाँ नीचे वन प्लस है, यहाँ नीचे वन माइनस है, ये मैक्सिमम का फॉर्मूला है ना। तो फोर्थ फॉर्मूला हमने देखा मैक्सिमम, सॉरी कितना, अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ स्पीड ऑन बैंकिंग ऑफ रोड, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया। सबसे बड़ा डेरिवेशन यही है बच्चों इस चैप्टर का, दैट इज वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा प्लस म्यू एस, टैन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय वन माइनस म्यू एस टैन थीटा। क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये सब फॉर्मूलेज इनका स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये हमने आज स्टडी किए हैं, और अभी इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, अब सो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, अब देखते हैं इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। बच्चों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सॉल्व करते जाओ, जहाँ पे मैं बोलूँ पॉज करके सॉल्व करो, खुद ट्राई करो आता है कि नहीं, उसके बाद वीडियो प्ले करो, नहीं आता है तो समझ लो, उसके बाद वापस खुद से ट्राई करके देखो। ऐसे अगर किया तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। देखो देखते हैं न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड, आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल पहले हम लोग लेंगे। ओके, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, देखो क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन, नीचे डिस्प्ले हो रहा है। पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 मीटर, मतलब ये क्या रहेगा, देखो रेसिंग ट्रैक है ना, क्वेश्चन गिवन रेसिंग ट्रैक है, मतलब ऐसा रेसिंग ट्रैक है मान लो, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये आर दिया है हमें, तो आर कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 72 मीटर। ओके, देन वी आर नॉट रिकमेंडिंग द व्हीकल टू ड्राइव फास्टर देन 216 km/h, मतलब आपका मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड यहाँ पे कितना होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट उन्होंने देखे रखा है, अपर लिमिट दिया है कितना 216 km/h। बच्चों ये वैल्यू जो दी है वो किलोमीटर पर आवर्स में दी है, हमें किलोमीटर पर सेकेंड में एसआई यूनिट में हमेशा कन्वर्ट कर लेना है, तो इसके एसआई यूनिट की वैल्यू क्या बनेगी, देखो दैट इज इक्वल टू 216 × किलो की वैल्यू होती है 1000, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, पर आवर्स है, आवर्स का सेकेंड कितना होगा, आवर्स के सेकेंड होते 3600, 60 मिनट 60 सेकेंड्स, ये 00 कैंसल 00 कैंसल, 2 5 10, 2 18। तो हमेशा याद रखो जब भी आप लोग किसी के एम पी एच की वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 216, शॉर्टकट से आप लोग इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। ओके, और क्या दिया है, देखो ये इसको कर लेते हैं पहले, हाँ That is 12, 18, 1, 18, that is 12 आएगा ये nearly, 12 5 16 60 meter per second, ये हमें मिला V max। उसके बाद देखो next क्या दिया है उन्होंने, With what angle should the road be tilted, by what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter, मतलब क्या विड्थ ऑफ ट्रैक देके रखी है कितनी, 10 मीटर, विड्थ ऑफ ट्रैक कितनी देके रखी है 10 मीटर, मतलब देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ, ये उसकी विड्थ है ना, ये इसका एंगल रहेगा, ये विड्थ दी है कितनी 10 मीटर दी है, और ये क्या रहेगी इसकी हाइट रहेगी एच, और इनको चाहिए क्या, क्या फाइंड करना है इनको, उन्होंने पूछा है कि एंगल ऑफ टिल्ट मतलब थीटा निकालना है सबसे पहले, तो सेकंड उन्होंने पूछा है हाइट निकालो मतलब एच निकालना है, तो एच देखो वापस हमें यहाँ पे सो का टोआ का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा,
थीटा निकालने के लिए तो हम लोग जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है वही यूज़ करेंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले निकाल लेते हैं थीटा। थीटा निकालने के लिए हम एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है एंगल ऑफ बैंकिंग का? सबसे पहला थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू हमने क्या डिराइव किया है, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी, है ना। और सेकेंड एच निकालने के लिए हम टैन थीटा का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। थीटा की अपोजिट साइड है एच एंड एडजेसेंट साइड है यहाँ पे ये देख के रखा है ना आर। आर कितना दिया है, दैट इज 72 मीटर, मतलब ये साइड हम लोग निकालेंगे, दैट इज 72 मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो टैन थीटा इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, एच डिवाइड बाय 72 करेंगे हम लोग, उससे आपको आसानी से मिल जाएगा। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं वी स्क्वायर, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। सोल्यूशन, पहले थीटा निकाल लेते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू बनेगा टैन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर इंटू जी। तो v की वैल्यू कितनी दी है पुट कर दो, tan इनवर्स क्या आएगा 60 स्क्वायर, 60 स्क्वायर मतलब 60 into 60। r कितना है, दैट इज 72, इंटू g कितना है, g कहाँ गया, g तो हम लोग 10 यूज करेंगे यहाँ पे। ओके 10, यहाँ पे 0 0 कैंसल, 6 बचा, 12 के टेबल में देखो 12 5 12 6, तो ये 6 एंड ये 6 भी कैंसल, तो tan इनवर्स कितना बचता है, tan इनवर्स बचता है 5। तो बच्चों यहाँ पे वापस आपको लॉग टेबल लगने वाला है। लॉग टेबल का कौन सा टेबल देखोगे आप लोग, लॉग टेबल का हम लोग देखेंगे नेचुरल टेंजेंट वाला टेबल निकालो। नेचुरल टेंजेंट वाला टेबल जो है उसमें देखो 5 डिग्री कहाँ पे आता है, टैन इनवर्स 5, मतलब हम लोग जो अंदर का जो मीन डिफरेंस का वगैरह टेबल होता है उसमें 5 आपको सर्च करना है। 0.5 से हमें आंसर वैल्यूज दी है, तो उसमें 5 हमें कौन सी डिग्री पे मिलता है, देखो 5 हमें मिलता है दैट इज ऑन एग्जैक्टली वो 78 degree and 42 minutes पे मिलता है। देखो आपके बुक में जो आंसर दिया है उन्होंने क्या दिया है, 78 degree 69 minutes चलेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 78 degree 69 minutes। ओके, तो ये हमें क्या मिला, 78.69 degree ऐसे दिया है आंसर। ओके, ये हमें मिलेगा थीटा, ये भी आपको कहाँ पे मिलेगा, लॉग टेबल में ही आपको फाइंड करना है। तो पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद में आपको एच कितना आएगा वो बताती हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, होप सो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा इसका। मैं अब देखो मुझे क्या निकालना है, अभी हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टैन थीटा का फॉर्मूला यूज करो। मुझे लगता है साइन थीटा का बेटर रहेगा, क्योंकि 10 हमें पता है 72 से 10 बेटर है, तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, एच डिवाइड बाय अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस कितना है 10, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा, एच डिवाइड बाय 10। तो एच इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 10 इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, कितनी निकाली, एच इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 78.69। अब देखो यहाँ पे 78.69 आप कहाँ पे देखोगे, वापस लॉग टेबल का जो नेचुरल साइन का टेबल है वो निकालो, नेचुरल साइन का, लॉग टेबल का नेचुरल साइन का टेबल 78 डिग्री, पहला कॉलम डिग्री का है, देखो वहां पे 78 सर्च करो, पॉज करके खुद लिखने की कोशिश करो। 78 ऊपर हमने 54 डिग्री तक दिए हैं, तो कितना है 0.9813, 54 में 5 ऐड करो तो 69 बन जाएगा, 0.9813 प्लस 3 0.9816, तो 10 इंटू 0.9816। ओके, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेगा, दैट इज 9.816, ये हमें क्या मिला, एच मीटर। ओके, तो बच्चों लॉग टेबल नहीं आता है तो ज़रूर बताएं। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक, इसको जल्दी से कॉपी करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहे तो इसका, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है। इसके बाद देखो बच्चों, इसी से लिंक किया है उन्होंने दूसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का ही सवाल है, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने आगे कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज का, मैंने नीचे डिस्प्ले किया है क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखो क्या है. द रोड इन द क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टेड, क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन, द रोड इन द प्रीवियस क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स. ओके, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, अब यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देके रखा है गिवन. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ उसका गिवन देखो. म्यू एस इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 0.8. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देके रखी है. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8. विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, क्वेश्चन मार्क. बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस. अब देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने निकाला कि टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 5 होता है ना. ये वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की है. उसके बाद आर भी उन्होंने दिया है, वहां पे कितना दिया है, 72 मीटर दिया था, है ना. अब हमें निकालना क्या है कि लोअर स्पीड लिमिट, फाइंड टू फाइंड लोअर स्पीड लिमिट. पहला क्या निकालना है, लोअर स्पीड लिमिट. एंड सेकेंड उन्होंने क्या पूछा है, मतलब वी मिनिमम. एंड सेकेंड क्या पूछा है, वी मैक्सिमम अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट. अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, देखो वी मैक्स, अगर हम वी मिनिमम का देखें तो वी मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया फॉर्मूला. V इज इक्वल टू कितना होता है, V इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया, राइट ना, अभी डिराइव किया. अभी देखो यहाँ पे जो अपर स्पीड लिमिट है ना, मतलब V मैक्स की वैल्यू, ये जो डिवाइड बाय प्लस म्यू एस टैन थीटा है, अगर ये म्यू एस टैन थीटा जो है, एक मिनट है बच्चों, एक मिनट, वेट अ मिनट. हाँ देखो मैं क्या बता रही थी, तो V इज इक्वल टू आर जी डिवाइड बाई टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाई 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा होता है. अगर ये थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री बन जाए तो V मैक्स की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है. अगर ये थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 बन जाए तो V मैक्स की वैल्यू इन्फिनिटी होती है. और हमारा यहाँ पे थीटा कितना आया, थीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री समथिंग आया है ना, 78.69. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, तो इसकी वैल्यू तो क्रॉस कर चुकी है, इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट कितना है, इन्फिनिटी है ना. सो यहाँ पे हम लिखेंगे देर इज नो अपर लिमिट फॉर स्पीड. स्पीड के लिए अपर लिमिट यहाँ पे नहीं है. तो हमें कौन सा निकालना है, अभी बस लोअर स्पीड लिमिट निकालना है. तो उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे नो अपर लिमिट फॉर स्पीड, हमें यहाँ पे अपर लिमिट है ही नहीं. तो अभी देखते हैं कि इसका लोअर लिमिट क्या रहेगा, लोअर स्पीड लिमिट. सेकेंड इसके लिए फॉर्मूला यूज करके हमें फाइंड करना होगा लोअर स्पीड लिमिट कितना है. देखो दैट इज V मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी इन ब्रैकेट टैन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइड बाय 1 प्लस म्यू एस टैन थीटा. ओके, वैल्यूज पुट कर दो, सॉल्व करो. अंडर रूट आर, आर कितना है यहाँ पे, 72 इंटू 10, जी 10 है, इन ब्रैकेट टैन थीटा की वैल्यू 5, म्यू एस है 0.8, डिवाइड बाय 1 प्लस 0.8 इंटू 5, ब्रैकेट कंप्लीट. तो ये कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 72 इंटू 10, 5 माइनस 0.8 कितना बनता है, 4.2, डिवाइड बाय ये 1 प्लस 4 बनेगा, मतलब ये 5, तो ये 5 टू जो 10 बनेगा, 72 इंटू 10 इंटू 4.2 डिवाइड बाय 5, 5 टू जो 10, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 72 इंटू 4 एंड 8.4, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलता है 604.8. और इसका स्क्वायर रूट आपको लॉग टेबल से देखना पड़ेगा, नहीं आता तो वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. 604.8 इसका स्क्वायर रूट हमें कितना मिलता है, लेट मी चेक.
स्क्वायर रूट हमें मिलता है 24.6 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या मिला? वी मिनिमम। ओके, आया समझ में बच्चों? तो ऐसे हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का। आज का वीडियो बहुत ही बड़ा वीडियो है और सबसे बड़ा टॉपिक भी है एंगल ऑफ बैंकिंग, और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो ज़रूर वीडियो पॉज करके जहाँ पे मैं बोलूँ सॉल्व करने की कोशिश करो और वीडियो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर जहाँ पे आपको लग रहा है डिफ़िकल्ट है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं उसको वापस ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। तो बच्चों आज हम यहीं पर रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ डिफ़िकल्टी होगी तो क्वेश्चन ज़रूर पूछें। ओके, तो बच्चों पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।